पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह कहानी है एक ऐसी सुपर मॉडल की जिसने इंटरनेशनल ब्रांड्स छोड़ दिए क्योंकि इसे अपना घर बहुत पसंद था। इसने अपना घर भी बसाया और फिर एक लंबे समय के बाद उस घर में दरार भी आ गई। नाम मेहर जैसिया। मेहर जैसिया का जन्म 30 नवंबर सन 1970 में हुआ। इनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई जेबी वाचा स्कूल मुंबई में और मुंबई के ही दादर पारसी कॉलोनी में ये रहा करती थीं। इनके पिता होमी जैसिया पूर्व मिस्टर इंडिया रहे और एथलेटिक्स और फिटनेस के खासे दीवाने। मेहर जैसिया सोफिया कॉलेज में पढ़ी लेकिन वहाँ पर इन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि इनकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई में एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये घबरा गई थी कि कैसे ये अपने हिंदी का बोर्ड एग्जाम पास कर पाएंगी। इनकी माँ ने इनसे कहा था कि तुम फिक्र ना करो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बाद में कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए एग्जाम पास करने की कोशिश करना। और इसी के 3 महीने के बाद ये बन गई मिस इंडिया। साल था सन 1986। ये भारत के सुपर मॉडल्स की पहली पीढ़ी में गिनी गई। मेहर जैसिया, मधु सफरे, फिरोज गुजराल, श्यामली वर्मा और एना ब्रेडमैन। ये एक बड़ी जबरदस्त स्पोर्ट्स पर्सन भी रहीं। स्विमिंग और बैडमिंटन में तो इनका कोई मुकाबला ना था। जब ये मात्र 24 बरस की थीं, तब इनके पास एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड का ऑफर आया जिसमें मशहूर मारू खूबसूरत महिला इजाबेला रोजेलिनी की जगह इन्हें मौका मिल रहा था। पर इस सुपर मॉडल मेहर जैसिया ने उस ऑफर को ठुकरा दिया ये कहकर कि वो कैसे अपने घर दादर पारसी कॉलोनी से दूर रह सकती हैं। मेहर जैसिया एक पारसी हैं लेकिन उनकी शादी हुई अर्जुन रामपाल से। अर्जुन रामपाल खुद एक सुपर मॉडल रहे और बाद में एक्टर बने। इस शादी से इन्हें 2 बेटियां हुईं। और ये शादी 20 बरस चली लेकिन उसके बाद टूट गई। कुछ लोगों ने कयास लगाए थे जब ऋतिक रोशन का डिवोर्स हुआ था कि अर्जुन रामपाल का इसमें कोई रोल है, और जब अर्जुन रामपाल और मेहर जैसिया का डिवोर्स हुआ तब कुछ लोगों ने यहां तक बातें कहीं कि सुजैन खान का इसमें कोई किरदार है। पर सच मेहर जैसिया और अर्जुन रामपाल ने सबके सामने रखा और कहा कि 20 बरस के बाद हम दोनों एक दूसरे से अब अलग हो रहे हैं। अर्जुन रामपाल और मेहर जैसिया ने मिलकर एक फिल्म भी बनाई थी पर फिल्म बिजनेस में इन्हें खासी सफलता ना मिली। पर यकीनी तौर से ये कहा जा सकता है कि जब भी कभी हिंदुस्तानी सुपर मॉडल्स का जिक्र होगा तो मेहर जैसिया का नाम पहली सफ में लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।